नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो वीडियो हम लेके आए हैं यूआईडीएआई द्वारा जो जारी गाइडलाइन हो रही है उसके लिए। आप देख सकते हैं सामने दिखा रहा है 10 साल पहले जारी किए गए आधार कार्ड के दस्तावेज अपडेट करा लें। जिन लोगों को आधार नंबर लिए 10 साल हो चुके उन्हें अपने दस्तावेज अपडेट कराना चाहिए। यह अनुरोध खाताधारकों से यूआईडीएआई ने किया है। यूआईडीएआई ने कहा है कि जिन्हें 10 साल या उससे पहले यूनिक आईडी जारी किया गया था लेकिन तब से उन्होंने अपना विवरण अपडेट नहीं किया, उनसे पहचान और निवास प्रमाण पत्र दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया जा रहा है। अपडेशन ऑनलाइन के साथ साथ आधार केंद्रों पर भी किया जा सकता है। तो ये यूआईडीएआई द्वारा सभी के लिए अपडेट है। तो आप जैसा कि जानते हैं 10 साल पहले जिनके भी आधार कार्ड बने हैं वो सभी आधार कार्ड कैंप में बने हुए हैं और उस समय आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट नहीं होते थे, फिजिकली तौर पे लिए जाते थे। तो यूआईडीएआई के पास आपका डाटा ऑनलाइन नहीं है, इस वजह से यूआईडीएआई ने सभी से अनुरोध किया है कि आप अपने आधार कार्ड में आईडी और एड्रेस प्रूफ को अपडेट करवाएँ, यह अनिवार्य है। देख सकते हैं ये पूरा, तो चलिए हम बताएंगे ये आपको कैसे करना है। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि हमारे द्वारा यूटीआई से पैन कार्ड एजेंसी दी जाती है, जहाँ पे आप रिटेलर आईडी भी हमसे ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं, साथ ही साथ हमसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी आईडी भी ले सकते हैं। आप हमसे अगर यहाँ से आईडी लेते हैं तो आप 18 साल से कम उम्र के कैंडिडेट का माइनर का पैन कार्ड बना सकते हैं। ये आप हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप वाहन बीमा का काम करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रोबस इंश्योरेंस कंपनी से भी आईडी दी जाती है, जहां आप कार का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हैं, गुड्स कैरिंग व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब हमारे द्वारा जो नई सर्विस दी जा रही है वो है NHDL। अब हम NHDL से भी पैन कार्ड आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पर आप नया पैन कार्ड भी बना सकते हैं जो कि आप बायोमेट्रिक से भी बना पाएंगे, साथ ही साथ आप पैन कार्ड भी बायोमेट्रिक से करेक्शन कर पाएंगे। बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि फिंगरप्रिंट के द्वारा, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको सभी के डॉक्यूमेंट में आईडी और एड्रेस प्रूफ अपडेट कहाँ से करना। तो उसके लिए हमें खोलना पड़ेगा myaadhar.uidai.gov.in। हमें इस साइट को लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ही आप उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, अन्यथा उनको आधार सेंटर से ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना पड़ेगा। जिसके भी मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको आधार सेंटर से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना पड़ेगा, और जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके डॉक्यूमेंट आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं। मैं पुराने एक वीडियो में डाल चुका हूं कि आपको किस तरीके से करना है, लेकिन फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूं। हम यहां पे आधार कार्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आए। हमारे नंबर पर OTP आ जाए। हमारे मोबाइल में OTP आ चुकी है, हम OTP डाल देते हैं। इसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं सामने ही दे रहा है ऑनलाइन अपडेट सर्विस, जहां से आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस अपडेट करेंगे। लेकिन हमें यहां से अपडेट नहीं करना है, हमें ये एक और ऑप्शन दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट अपडेट। तो हमें यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना। देखिए मैं अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ तो ये नीचे दे रहा है, तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। इसके अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो हमसे ये आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए बोलेगा। मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ इसलिए मुझे अपडेट करने नहीं देगा। तो आगे जाके आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपडेट करना है। आईडी प्रूफ में आपको वही अपडेट करना है जो आधार कार्ड में पूरा नाम लिखा हो, उसी के जैसा डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना है। सेम प्रोसेस एड्रेस प्रूफ में है, जो प्रेजेंट में आपके आधार कार्ड में नाम है, जो प्रेजेंट में आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे अपडेट करके सबमिट कर देना। उसके बाद एक फ़ीस कटेगी,
उस फीस को कटने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा वो प्रिंट आउट आप अपने कस्टमर को दे देंगे। और इसकी मैं देख ले, आप इस तरीके से आपको जितने भी ग्राहक हैं जिनका आधार कार्ड 10 साल से पहले बना है उन सभी के डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, तो ये आप अपने ग्राहकों तक सूचित करिए, अन्यथा उनके आधार कार्ड निरस्त हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।